जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हो। अद्रव्य से अस्पर्शी पर भावों से अस्पर्शी जिसके स्वभाव में ही स्पर्श नहीं है ऐसा अस्पर्शी ज्ञान का गोला ज्ञान का घन यह भगवान आत्मा है। यही मैं हूँ। ज्ञान की जानन धारा भले ही बहती है फिर भी धारा से न्यारा यह ध्रुव तत्व मैं हूँ। अनंत विकल्पों के चक्रवात में
एक समय के लिए भी नहीं फंसने वाला, जिसका स्वभाव ही विकल्पों से निराला है, यह सत्ता मात्र भगवान आत्मा में हूं। परिणामों को परिवर्तित करे यह भगवान आत्मा नहीं है, यह ज्ञायक देव नहीं है। ज्ञायक देव मैं ये मैं ये ज्ञायक देव मैं ज्ञायक देव मैं ज्ञायक देव धारा में नहीं जाने वाला यह ध्रुव तत्व, ध्रुव में ही अपनी पूर्णता है। ये सारी असंख्य प्रदेशों में, मगर असंख्य प्रदेशों की गिनती कौन करता है? क्या है असंख्य प्रदेश? क्या है अनंत प्रदेश? क्या है संख्यात प्रदेश? क्या है एक प्रदेश? कोई संबंध ही नहीं है, न विकल्प आता है। मात्र सत्ता सत्ता सत्ता। सत्ता मात्र का अनुभव, ऐसा ही अनुभव, ऐसा तत्व विचार कर कि जहां प्रदेशों का विस्तार है, मगर सत्ता मात्र, चैतन्य मात्र, ये सत्ता मात्र, और वहां अनुभूति मात्र, मगर वहां परिणाम में परिणाम परिणमित तो होते रहते हैं। एक दीवार से दूसरी दीवार तक बंधा हुआ लाइव वायर, वह जो जीवंत तार है जिसमें विद्युत प्रवाह प्रवाहित तो हो रहा है, फैला है। उस कमरे की चौड़ाई है 10 फुट की, तो 10 फुट लंबा ऐसा वायर है, जिस समय स्पर्शना हुई और जो करंट का अनुभव हुआ, वहां 10 फुट विस्तार ऐसा विकल्प नहीं आता, वह अनुभव है। असंख्य प्रदेशों की फिक्र किए बिना, अनंत गुणों की फिक्र किए बिना, मात्र सत्ता पर जोर, सत्ता 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 सत्ता। चिड़िया को कोई लेना देना नहीं है कि गुण अनंत है और प्रदेश असंख्य है। शेर को कोई लेना देना नहीं है कि असंख्य प्रदेशों में कहां फैला है। असंख्य किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं? जिसे गिना न जाए मगर अंत आ जाए, वह तो असंख्य है।
मगर जिसे गिना भी न जाए और अंत भी न आए वह अनंत है। मगर इतनी परिभाषा भी वह शेर याद नहीं रखता, इसलिए ज्ञान सत्ता मात्र मैं हूं। ये परिणाम, ये जो भाव आते हैं, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं, उन भावों में अभी रुचि पड़ी है। पूर्णता की प्राप्ति से पहले वो ध्रुव का जोर क्या है भगवान? पूर्णता की प्राप्ति से पहले, पूर्णता की प्राप्ति से पहले मार्ग में ऐसे भक्ति करने के, तत्व विचार करने के ऐसे भाव मार्ग में बीच में आते हैं, मगर रुकना नहीं। मार्ग में स्टेशन बहुत आते हैं, मगर ये स्टेशन नहीं है। हमें स्टेशन में अटकना नहीं है, हमें तो जहां स्थिर होना है वह तो डेस्टिनेशन है। इसलिए ये भाव आए, इस प्रकार का हम विचार करते हैं। भाव आते हैं आने दो, भाव आते हैं आने दो, भाव आते हैं आने दो, बीच में आते रहते हैं और फिर चले जाते हैं, चले जाते हैं। स्टेशन बीच में आता है, पूजा का भाव, व्रत का भाव, ये भाव बीच में आता है। उससे क्या होता है कि ये भाव बीच में आता है, अटकना नहीं, उससे पर्याय दृष्टि गाढ़ हो जाती है और सम्यक दर्शन का महल भवन निर्माण होता था। वहां से कचरा भी नहीं हट पाता, जमीन की खुदाई तो क्या होगी। इसलिए तत्व विचार जब हो, शुभ भाव नहीं आते। ये चैतन्य तत्व विचार का भाव तो आता ही है ना, आता है, आता है। सम्यक दर्शन से पहले ये भाव आता है, सम्यक दर्शन से पहले ये भाव आता है, मगर सम्यक दर्शन से पहले आता है ना। अनादि अनंत ध्रुवता जो है, इस ध्रुवता से पहले ये भाव कहाँ रहा है? और ऐसा ध्रुव का जोर लाना, भगवान मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। ये ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा है। ऐसा ये ध्रुव 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 ध्रुव।
ये ध्रुव 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 ये ध्रुव 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 में पूरी नित्यता, न आना न जाना मात्र सत्ता, ये सत्ता का भाव ऐसा है। मोह का भाव है और निज स्वरूप पर विराजमान होना है, बीच में वितरागी परमात्मा के दर्शन करने का भाव आया। मगर बीच में भाव आता है, रुकना नहीं, ये अखंड का भाव ऐसा है, अखंड, उसे देखना ही नहीं, अखंड 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 सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा, परमाणु का मिश्रण किए बिना ही यदि ज्ञान के अनुभव को देखे तो अखंड है। ये अखंड मैं हूं, मैं हूं, ये अखंड मैं। मोह का भाव है, मिथ्यात्व भाव है, तो बीच में अभी भगवान ये दर्शन करने का भाव आया। देव दर्शन करने का भाव आया, ये भाव बीच में आता है, इस कल्पना को निकालना है। ये भाव तो आते हैं बीच में, ध्रुव 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 का वहां उस जगह कहाँ भाव, वो जो सत्ता है उसके अंदर कहाँ भाव है, भगवान जाना है। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, वहां जाना है नहीं, तो बीच में ये भाव आएगा। मोहमयी नगरी है ये मुंबई है, ये मोह है, और अहमदाबाद जाना है, अहम मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मोह से मैं तक पहुंचना है। तो बीच में परमात्मा का सूरत, परमात्मा की सूरत देखने का भाव आएगा, तो निकला है मोह से, सूरत को भी देखा है, तो ये भाव आया सूरत का, क्योंकि अहम तक पहुंचना है, मैं तक पहुंचना है। तो जिसे मोह से निकलकर मैं तक पहुंचना है, वह परमात्मा की मुद्रा सामने आएगी। मोहमयी से अहमदाबाद तक जाने से पहले ये सूरत आएगा, ये आएगा। मगर अब जो ध्रुवता पकड़नी है वो ये, मोहमयी नगरी मुंबई पर ट्रेन खड़ी है और वही ट्रेन पहुंचेगी अहमदाबाद, और बीच में सूरत आएगा। तो जो परिणाम चलते रहते हैं, जो अभी मोहमयी है, फिर वो सूरत के, फिर वो आगे जाकर स्वरूप में जाकर वहां ठहर जाएंगे। अहमदाबाद पर ट्रेन रुक गई, मगर अहमदाबाद से लेकर के पूरे मुंबई तक ये जो पटरी है, वो पटरी के बीच में कौन आता है? ट्रेन नहीं, पटरी। पटरी के पास में कौन आता है? पटरी में कौन आता है? और पटरी माने भगवान। वह जो पटरी है वो अखंड का भाव ये है, ये जो अनादि अनंत चैतन्य माने तो मोक्ष, संसार, परिणाम, भाव, ये सब फिर निर्विकल्प हो जाता है। मैं ध्रुव हूं, ये सब कहाँ है? यहां उस पटरी के अंदर ट्रेन नहीं है, ऊपर ऊपर चलती रहती है। कहते हैं पटरी पर ट्रेन चलती है, पटरी तो निर्विकल्प है, कोई हिसाब नहीं रखती है।
उसके अंदर वो जो लोहा है ना, पटरी माने लोहा, उस लोहे के अंदर तो सुई चुभती भी नहीं है। एक सुई का, सुई की नोक है वो, जिसके अंदर नहीं घुसती है वो पटरी है। ट्रेन वहां कहां जाएगी? जिसके अंदर घनता है ऐसी पटरी पूरी। तो ऐसे ही ये ध्रुव कहते ही इस परिणाम में नहीं बैठना है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। नहीं, आ, 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 आ। ये नित्यता है, ये न्यायक की सत्ता है। ओहो, ऐसा विचार कर, ये विचार कर, तू इस प्रकार से विचार कर। ध्रुव 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 हो। ये जो भाव आया ना भगवान, न आना न जाना, कभी विकल्प ही नहीं आता है। कभी प्रश्न ही नहीं उठता है। पटरी आ गई, पटरी चली गई, कितने बजे की पटरी है? नहीं। ट्रेन आई, ट्रेन चली गई, कितने बजे की ट्रेन है? ट्रेन समय पर है, देरी से है? सब विकल्प ट्रेन के हैं। और पटरी ही नहीं हो तो वो ट्रेन को जरूरत है, पटरी पर चलना है, मगर पटरी को ट्रेन से क्या लेना देना है? पटरी को क्या लेना देना है? ऐसा ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप में, उसमें अनादि अनंत हो, ये पटरी में तो एक एक छोर ऐसा आ गया कि अहमदाबाद का एक छोर आ गया मुंबई का, मगर ये ज्ञान सत्ता जो है उसमें अनादि अनंत ऐसी सत्ता, अनादि अनंत 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 अनंत, ये अनंत सत्ता, माने कब तक ये बात ही नहीं, बस ऐसा वो सत्ता 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 सत्ता, वो सत्ता कैसा वाला प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि जो कैसा है कैसी है वो जो है वो सत्ता में नहीं है, इसलिए उसका प्रश्न ही क्यों? वो मूल सत्ता मात्र मैं हूं, निर्विकल्प 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 निर्विकल्प।
फिर परिणति दौड़ती है स्वरूप की ओर, स्वरूप की ओर दौड़ती है। मगर स्वरूप की ओर दौड़ करके भी, स्वरूप की ओर दौड़ने का भाव क्या है कि ध्रुव का जोर आता जाता है, परिणाम में ध्रुव 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 ध्रुव। और उसी समय यहां पर ही मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा परिणाम का ऐसा जोर आता है, परिणाम का जोर आता है। मगर वह जोर फिर धीरे 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 पिघलता जाता है। अरे मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो भाव है वह भाव ज्ञान में झलक गया, आकर के चला गया। वस्तु की जो सत्ता मात्र, ऐसा सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, पूरे असंख्य प्रदेशों में ऐसा, ये पूरे असंख्य प्रदेशों में पर्याय में पूरा द्रव्य जो पकड़ में आता है, बिना किसी विकल्प के पर्याय में पूरा तत्व पकड़ में आता है, यही मैं हूं। उसमें कैसा असंख्य प्रदेश होने पर भी विकल्प नहीं आता। ये एक एक हाथ है, ये हाथ है और ये हाथ है, तो इस हाथ से जब इस हाथ को ऐसा पकड़ा है, इसका सूक्ष्म भाव क्या है? पर्याय जब द्रव्य को पकड़ती है तब अंतर में पर्याय में परिणमन कैसा है इसका समझो। असंख्य प्रदेश में व्याप्त है, द्रव्य भी पूरे में व्याप्त है, पर्याय भी सब जगह व्याप्त है। जहां जहां रस है वहां वहां मीठापन है, गुड़ वस्तु है, तो जहां रस है वहां मीठापन है, जहां वह नित्य स्वभाव है वहीं पर ही उसका परिणमन भी है। मगर पकड़ के काल में निर्विकल्प होते क्या होता है? ये हाथ है, ये हाथ है, इसको लो पर्याय है, ये पूरा भाव, और ये हाथ है, इस भाव को लो कि ये द्रव्य है, इसका स्वभाव पलटना है, ये भी असंख्य प्रदेशों में है, इसका स्वभाव नित्य है, ये जो है ये भी असंख्य प्रदेश में है, मगर इसको ऐसे देखो कि इतना भाग, ये हथेली वाला भाग, उंगली वाला भाग, जब ये हाथ को मैं ऐसे पकड़ता हूं तो इस हाथ के कौन से परमाणु वहां के कौन से परमाणु को छूते हैं ये विकल्प नहीं आता, प्रदेशों का विकल्प नहीं आता है, प्रदेशों का, ये हाथ के ये परमाणु और ये परमाणु, मैंने एक हाथ से
दूसरा हाथ पकड़ के रखा है। तो किस एटम ने, किस परमाणु ने, कौन से परमाणु को छुआ है, ये भाव नहीं आता। पूरा हाथ है, एक हाथ से एक हाथ पकड़ा है। तो असंख्य प्रदेशों में प्रदेशों का भेद नहीं आता, पकड़ने वाली पर्याय प्रदेशों का भेद नहीं करती, और जो पकड़ में आया है वो द्रव्य के प्रदेशों का भेद नहीं होता, मात्र पकड़ होती है। और वो पकड़ निर्विकल्प है, उस समय इतना सूक्ष्म अंदर में परिणमन होता है, इतनी सहज निर्विकल्पता। और इसी वजह से भगवान को अंदर में चानन चानन पूरी तरह से, कि पूरी तरह से ऐसा ऐसा अब हाथ पकड़ा। अब कोई कहे कि तू हीरा पकड़ ले, कि तुझे दिखाई नहीं देता है ये पूरा हाथ यहां पर, इससे हाथ पकड़ा है। हम कहते ना ये काम करो ना, कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे हाथ में ये है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ज्ञान जब पूरी तरह से उस समय ऐसे ऐसे परिणमित होता है कि मैं ध्रुव चैतन्य, एक समय की बात है वो भगवान, एक समय में अपना प्राण लगा करके मैं ध्रुव चैतन्य रूप उस पर जानना, परिणमन माने जानना, जानना मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा उसमें स्थिति, ऐसे ऐसे प्रतिबिंब पड़ गया पर्याय के अंदर, और प्रतिबिंब पड़ गया, ऐसा प्रतिबिंब पड़ गया कैसा ये स्वरूप है भगवान। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव क्या है? जल के। तो ज्ञान की पर्याय है कि नहीं? जिसका स्वभाव क्या है? जल के। कौन जल के? जो है वह जल के। तो त्रिकाली है कि नहीं? कि है। जो झलकने में आता है, जो झलकता है वह भी है, जिसमें झलकता है वह ज्ञान है, वह कैसा है? स्वच्छ है। जब ये दोनों है तो फिर गड़बड़ कहां हो रही? अनादि काल से क्यों नहीं प्रतिबिंबित हुआ? ध्रुव सत्ता स्वरूप शुद्ध सदाकाल पड़ा हुआ, और ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध ही है, तो शुद्ध में तो शुद्ध का प्रतिबिंब पड़ना ही चाहिए, अभी तक क्यों नहीं जाना? इसका राज समझेगा तो पता चलेगा, ये पूरा परम विज्ञान है। और फिर डुबकी लगाता, हो, ऐसा हो, एक समय की पर्याय है, उसका स्वभाव है। हो, ये स्वभाव है, जानना 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 उसमें प्रतिबिंबित होता है। आहा, प्रतिबिंबित होना उसका स्वभाव है। निरंतर ज्ञान की पर्याय निर्मल 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 प्रतिबिंबित हो रही है, एक साथ में ही। ओ हो, अंतर में शक्ति भी है, वो शक्ति भी है, और ये द्रव्य अंतर में ज्ञान में झलकने के लिए तैयार भी है, फिर भी ज्ञान में झलकता क्यों नहीं है? ये भगवान आत्मा ज्ञान में झलकता क्यों नहीं है? ज्ञान तो निर्मल है ना, ज्ञान निर्मल है, मगर ज्ञान की जो पर्याय है उस पर्याय का स्वभाव जो है वो स्वभाव से निर्मल है। उसमें कितने पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, कौन प्रतिबिंबित होगा, कितना प्रतिबिंबित होगा, वो शक्ति अपेक्षा से है, व्यक्तता नहीं है। दोनों का अंतर समझ में आया भगवान? क्या है शक्ति होना और शक्ति का व्यक्त होना? अब ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान की पर्याय स्वच्छ है कि हाँ गंदी हुई है कि कभी गंदी नहीं हुई। यदि स्वच्छ है तो फिर लोकालोक भी तैयार पड़ा है, क्यों प्रतिबिंबित नहीं हो जाता? अकेला भगवान आत्मा थोड़ी पड़ा हुआ है,
फिर तो सारी दुनिया, ये सारा लोकालोक है, ये लोकालोक भी है और ज्ञान की अवस्था भी है, फिर झलकता क्यों नहीं है? ज्ञान की अवस्था में झलके ऐसा स्वभाव है दर्पण, यहां पर ओ हो, यहां पर ये भगवान है मूर्ति और यहां दर्पण है, तो भगवान भी है और दर्पण भी है, तो झलकता क्यों नहीं है भगवान का रूप इसमें? कि नहीं, दर्पण अभी धूल वाला है। अभी तो कहा कि ज्ञान की पर्याय तो स्वच्छ होती है, कि दर्पण की पर्याय स्वच्छ है, मना कहाँ किया? मगर उस स्वच्छता में धूल का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो धूल का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उस धूल का मोह होने की वजह से, वो मोह भाव होने की वजह से, वो मोह बस उससे दोस्ती हो गई है, दोस्ती हो गई। तो ये भगवान का प्रतिबिंब पड़ेगा कैसे? तुम जो चाहते हो वही हो जाते हो। ओ हो, यहां दर्पण है, इसके ऊपर धूल है। अब धूल से मित्रता हो गई है, कि धूल से दोस्ती हो गई, धूल ना हटाऊंगा, इस धूल को धन मान लिया, और धन मानने की वजह से वो दर्पण का स्वच्छ स्वभाव जो है झलकना, उसका क्या? उसका कुछ नहीं, वो स्वच्छ ही है, और उसमें झलक रहा है कौन? कि धूल झलक रही है। धूल तो अभी भी उसमें झलक रही है, उसकी पर्याय की स्वच्छता में दोष नहीं है, और भगवान में भी दोष नहीं है। भगवान भी प्रकट है, स्वच्छ दर्पण भी प्रकट है, मगर बीच में जो धूल का आवरण है, और वो धूल का आवरण क्यों नहीं हट जाता? क्योंकि धूल को ही भगवान मान करके रखा है, वो राग के विकल्प को इतना उपादेय माना हुआ है, इसलिए वो विकल्प गिरता नहीं। कल गिरता नहीं है, तो ये दर्पण की फिर महिमा ही क्या? स्वच्छ दर्पण तो उसे कहे कि धूल बोल जो भी हो उसे फटाक हटा दे और सीधा भगवान को प्रतिबिंबित करे, उसे कहते हैं दर्पण की स्वच्छता। भगवान दर्पण की स्वच्छता उसे नहीं कहते, उसे तो कर्तृत्व का बोझ कहते हैं कि धूल को हटा दे, वो हटाने जाता ही नहीं, उसी का नाम स्वच्छता है। इसलिए ज्ञान तो जो विकल्प है वो झलकते हैं, विकल्प नहीं है तो परमात्मा झलकता है, ज्ञान तो स्वच्छ ही है। ऐसी ज्ञान की पर्याय और त्रिकाली ध्रुव, ये दोनों स्वच्छ होने पर भी ये धूल को धन माना है, ये खतरा है, और इसलिए उसका लक्ष्य हटाने के लिए ये प्रयोग है। कि जब तुम चिंतन करो भगवान, मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव, तो वो विकल्प जो आए, उस विकल्प में धन की कल्पना नहीं, उसका रस लिए पीना। ये कीचड़ भी वैभव लगता है लंबे काल तक, ऐसे 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 ऐसे। अपना माना है ना, इस वजह से अपना 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 अपना, वही तो भाव है पूरा। उस विकल्प में रस है और विकल्प में अपनापन, ये विकल्प मेरा विकल्प है। इस वजह से वो कितना भी खतरनाक विकल्प है, वो लगता ही नहीं है छोड़ने जैसा, छोड़ने जैसा। मगर वो विकल्प जो है, वह विकल्प लाओ ना, मैं इसे पहचानू, ये ज्ञान क्या है? इसका जो स्वच्छ स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव का अनुभव होता जाए तो धूल हटती जाती।
पूरे दर्पण में धूल हो और 1% भाग इतना हो कि जहां धूल नहीं है, तो उतना स्वच्छता दिखाई देने, तो तुरंत ही ऐसा भाव आता है कि इतना स्वच्छ है, लाओ कपड़ा घुमा दो, हाथ लगा दो। तो दर्पण को हाथ लगाना, छुआ है दर्पण को और धूल खिरती जाती है। वो थोड़ा जो ज्ञान का व्यक्तव ये जानना हो रहा है ना, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, ये जानना हो रहा है, उस ज्ञान के नजदीक जाकर के ज्ञेयों की कल्पना छोड़ करके, क्योंकि वहां कल्पना नहीं होगी। जब व्यक्ति दर्पण साफ करता है, उसमें कौन प्रतिबिंबित होता है उसका विकल्प नहीं आता, दर्पण तो स्पर्शना में। तो स्वभाव 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 ज्ञान निर्मल है, न्यायक निर्मल है। हो, ज्ञान निर्मल है, न्यायक निर्मल है। अगर ये राग का विकल्प बीच में आता है भगवान, ये राग का विकल्प बीच में आता है। ओ, ये तकलीफ यहां पर है। ये जो अभी बात कही ना, इसका भाव क्या है समझो। ज्ञान है, ये ज्ञान है, और भगवान आत्मा अभी ये जानने में नहीं आ रहा है, वो विकल्प है। एक छोटा बच्चा होने तो वह भी ये बात समझ सकता है, जो बूढ़ापा नहीं मौत आती है तो लोग नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते। ये जो बात है ना, उस बात में दम नहीं है। जो असली बात है वो ये है कि ये दर्पण है, भगवान सामने है, मगर बीच में धूल आ गई है, इसलिए भगवान नहीं झलक पा रहे। एक है ये ज्ञान की पर्याय और ये है द्रव्य। तो ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही, ज्ञान की पर्याय में ही ज्ञायक की नित्यता है, और जो विकल्प है वो विकल्प उसके बीच में कहाँ आया है। एक व्यक्ति कहे, एक व्यक्ति अभी पत्नी एक कमरे के अंदर है, एक कमरे में है, और पति दूसरे कमरे में है, और पति पत्नी को छूना चाहता है, तो ये दीवार बीच में आ रही है। जब तक वो दीवार बीच में आएगी, जब तक वो दीवार बीच में आएगी, वो छू नहीं पाएगा। मगर पति और पत्नी दोनों अंदर है और दीवार बाहर है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय और ज्ञान ये दोनों अंदर ही है, और विकल्प तो बाहर है ना, वो तो आवरण है ना, अंदर अंदर में। ओ हो, वो जो पानी के ऊपर काई जमी है और वो मछली ये कहती है कि मैं पानी को नहीं छू पा रही हूं क्योंकि ऊपर काई जम गई है, ये कितनी मूर्खता लगती है। इसलिए ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में क्यों नहीं आता, क्योंकि ये विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है, इसलिए जानने में नहीं आता है। मछली पानी को क्यों नहीं छू रही है, पानी को क्यों नहीं देख रही है, क्योंकि ऊपर काई है ना, ऊपर काई है ना, ऐसा है ही नहीं भगवान। तो भगवान आत्मा भी जानने में क्यों नहीं आ रहा है, ये काई है ना, नहीं, ये जो विकल्प की काई है, ये विकल्प की काई है ना, नहीं, ये नहीं। तो भगवान आत्मा जानने में आना चाहिए, इसलिए कहा कि जानने में जो आ रहा है ये भगवान आत्मा ही है, तुझे रस नहीं है, इस वजह से तू मिथ्यात्व से पागल हो गया है, ये तू निरंतर पानी में ही अनुभव करता है, मछली पानी में ही अनुभव करती है और सपना काई का देखती है।
निरंतर, यह निरंतर भगवान आत्मा, क्योंकि स्वभाव को तुम मिटा नहीं सकते। ये तो अंदर की ही बात है ना, इसलिए तो ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, नहीं जानने में आता है और जानना है, ऐसा नहीं कहा। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये एक मार्ग को कठिन बना दिया ऐसा। पति पत्नी से कहे कि मैं तेरे को छूना चाहता हूं, ये दीवार तकलीफ देती है, काम कर पहले ये दीवार को गिरा देते। पत्नी कहेगी दीवार को रहने दे, तू तू तेरा काम कर, दीवार को काई को गिराता है, दीवार को क्या गिराता है, तुझे दीवार में रस है अभी, तुझे मेरे में रस नहीं है। ऐसा अंतर में चैतन्य के ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, विकल्प है ही नहीं। ओ, बाहर से अंदर जाना वो तो तकलीफ है, ये समझ में आ रहा है भगवान, बाहर से अंदर जाने में तकलीफ है, मगर अंदर में, अंदर ही अनुभव में तकलीफ कहाँ है। ये कोयला है, उसके ऊपर राख है, अब मुझे कोयले को छूना है तो राख ऊपर बाधक बनेगी, क्योंकि उंगली ऊपर से अग्नि के पास में जा रही है ना, मगर वो राख के पीछे ही अनुभव करने वाली वस्तु हो, मेरी उंगली उस राख के पीछे हो। और ज्ञान जो जानता है वो तो ज्ञान जहां पर सत्ता स्वरूप है वहीं पर ही है ना, आवरण तो ऊपर ऊपर है, पर भाव के, पर भाव कहाँ है, पर भाव इनबिल्ट थोड़ी है, इनबिल्ट तो वो जानना 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 वहां हो रहा है। वो पूरा ऐसा है। पूरा आवरण, जो आवरण, वो जिसका स्वभाव ही नहीं है, जिसके स्वभाव में ये दोनों में कहीं नहीं है, उसमें ये, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकता। ज्ञान जो है उससे जानना अलग होता ही नहीं है, ज्ञान से जानना अलग नहीं होता है, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है, ज्ञान से जानना अलग होता ही नहीं है, इसलिए ये ज्ञान 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 ज्ञान। अब पति पत्नी है, वो छू रहे हैं, वो छूते हैं, वो तो अलग हो तो छूने की बात है, मगर साथ में ही है, ऐसा साथ में है। अब वो छूने में बोले तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ये कंबल का आवरण है। अरे आवरण तेरे को छूने में कहाँ बाधक बनता है, वो ज्ञान की पर्याय ही ज्ञान को अंदर में, और वो तो अलग भी नहीं हुई, अंदर ही अंदर वहां पर ही कार्य हो रहा है, जो सत्ता है वही पर ही जानना हो रहा है, जो सत्ता है वही जानना हो रहा है, और तू कहता है विकल्प इतने हैं, आत्मा को कैसे पहचानूं, पड़ा रहने देने विकल्प, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये विधि हो। ये दृष्टांत थोड़ा खतरनाक लगेगा, काम वासना का है ना, मगर तुम्हें उसका ही अनुभव है, उसके बिना समझाऊं कैसे। वो कंबल बाधक नहीं बनता है, वो बाहर से भीतर जाना हो तो कंबल बीच में आएगा, अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, छूने वाला और छूने में आने वाला, ये जब अंदर ही है, जानने वाला और जानने में आने वाला, जब यही अंदर में है तो विकल्प का आवरण आता ही नहीं है, ये भ्रम है, ये कल्पना जो है वो कल्पना, वो पागल आदमी है, वो सठिया गया है, ऐसा इसका भाव, ये सूक्ष्म भाव है। विधि तो एक ही है, बाहर की और इधर की, संसार की और मोक्ष की, विधि में फर्क नहीं है। अंतर में ही अंतर में, अंतर में ही अंतर में, अंतर में ही अंतर में ज्ञान जानना 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 जानना, वही ज्ञान को जान लेता है,
वही ज्ञान को जान लेता है और विकल्प पड़ा। और यही तो कारण है भगवान पूर्ण निर्विकल्प हुआ नहीं, चौथे गुण स्थान में पूर्ण निर्विकल्प हुआ नहीं, फिर भी चौथे गुण स्थान में आत्मा का पूरा दर्शन कैसे हो गया? अधूरा सम्यक दर्शन नहीं कहा ना, पूर्ण सम्यक दर्शन, ये क्यों कहा है भगवान? उसका कारण यह है क्योंकि वो विकल्प है, वो बाहर है, दर्शन करने में वो कहीं पर भी बाधक नहीं बना। तिर्यंच को भगवान आत्मा का दर्शन हुआ। हो, अब समझ में आया? ये इतना क्रोध करने वाला ज्ञानी, इतना क्रोध करने वाला ज्ञानी आत्मा का दर्शन कैसे कर सकता है? आत्मा का दर्शन, इतना मोटा कंबल है फिर भी वो पत्नी पति को कैसे छू लेती है? ऐसा है ये, इतना क्रोध का भाव मगर ज्ञान ज्ञान को कैसे जान लेता है? ये समझ में आना, ये तो तेरा भगवान, ये पंचम काल है। ओ, कहा काल रहा? ओ, ऐसा ये स्वरूप है। अंदर में श्रद्धा ज्ञान ज्ञान को जानता है और उस समय ही श्रद्धा मोहर भी लगा देती है। वो भी अंदर ही है, बाहर से नहीं आती, वो भी अंदर ही है। और जो उपयोग, जो स्थिरता, जो चारित्र की परिणति की, वह भी अंदर ही है। सब कुछ अंदर है भगवान, सब कुछ अंदर है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अंदर ही है, बाहर से कहीं से आता नहीं है। ओहो, ये विधि है। ओहो, शक्ति व्यक्त हो गई, शक्ति व्यक्त हो गई। अरे शक्ति तो व्यक्त है, शक्ति व्यक्त है। ओहो, तेल तील है ना, वो तील में से तेल निकाला, कि तेल निकाला तो क्या हुआ कि शक्ति थी, वो शक्ति बाहर निकली। अरे शक्ति बाहर निकली नहीं, वो शक्ति असल में पहले ही पड़ी थी, अब तो गई। ये शक्ति अंदर ही है, और अंदर है बस वही अंदर में ही ढल जाती। कुएं का पानी बाहर गया, वो पानी व्यक्त हुआ, ये महिमा नहीं है। महिमा है कुएं का पानी कुएं में रह गया। ये ज्ञान का जो जानन जानन, वो यही पर ही जान ले रहा है कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। तो अब शिकायत नहीं रहेगी, दोनों की शिकायत नहीं रहेगी। हो तो उसकी चिंता ही मत कर, तो कंबल की भी चिंता मत कर और दीवार की भी चिंता मत कर। कंबल माने होता है राग का विकल्प, दीवार माने है राग की दीवार। निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञान ज्ञान को जाना, मैं ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान की सत्ता जो कही ना, अखंड ऐसी पटरी, एक समय में वो विराट सत्ता को ज्ञान, सत्ता को जानना है ना, विस्तार को जानना नहीं है, सत्ता को जानना है। सत्ता माने स्वभाव। यदि वो 10 फुट का कमरा है और उसके विस्तार को जानना हो तो इस दीवार में जहां बंधा है, फिर इस दीवार में बंधा है, तो ऐसी गर्दन घुमानी पड़ेगी। मगर स्वभाव की अनुभूति की बात हो तो कहीं पर भी छुआ है, वो स्वभाव पहचान लिया। ऐसे ही जब ध्रुवता का स्वभाव ऐसा पहचानना, ज्ञान मात्र है बस। हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसा इसका भाव है। ये ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान श्रद्धा में आता है। ओहो, और ज्ञान में ही ज्ञान जानने में आया, श्रद्धा ने उस पर मोहर लगाई और ध्यान उसी में अभेद हो गया। अभेद,
और जब अभेद हुआ अनंत काल के लिए, पति पत्नी थोड़ी देर मिले, फिर कलह, फिर राग द्वेष, फिर क्रोध, महान माया, लोभ, कचरा, ये सब, और कलह, तलाक, ये सब वहां पर सदा काल के लिए कहां मिले? ये सदा काल के लिए ये ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान अंदर में अभेद होता है। कभी 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 ये अभेद पर से कभी अभेद हुआ नहीं जा सकता और अपने से कभी भेद हो नहीं सकता, ऐसा है। ये कोशिश की पति पत्नी अभेद हो जाए, अभेद हो जाए, अभेद हो जाए, हो ही नहीं सके, अभेद हो ही नहीं सके। ये जो निराश होकर के फिर पड़े हैं, चेहरा घुमा करके, अभी जो 63 का आंकड़ा था अब 36 का आंकड़ा हो गया, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, फिर भी दूसरे दिन भोग भोगते, फिर भोग भोगते, क्यों? वो थॉमस अल्वा एडिसन की तरह एक प्रयास किया सक्सेस नहीं हुए, दूसरा प्रयास करो, बिजली का बल्ब कभी जलेगा मगर यहां कभी नहीं जलता, वो जल गया जल गया। यहां पर से अभेद हुआ ही नहीं जा सकता, ये स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है और अपने से भेद कभी नहीं हो सकता। यही एकमात्र हे ज्ञान दीपक ऐसा अभेद, जानन जानन धारा में ही यही ज्ञान है, उस रूप में ही परिणवन होता है। अब ये विकल्प पूरी राख यहां पर बीच में आती ही नहीं है, विकल्प नहीं आता। हो दोनों बात का, जैसे ही ऐसे छुआ ने, कोयला जल रहा है, कोयला तो वहां पर ऊपर राख है, तो राख ऐसे ही हाथ लगाया तो दो का विकल्प नहीं आता, किसका दो का? एक राख का और दूसरा लकड़ी का, ये दो का विकल्प नहीं आता। राख का आवरण ऊपर है और बबूल की लकड़ी है या चंदन की लकड़ी है, ये विकल्प भी नहीं आता। राग माने राख और बबूल चंदन की लकड़ी माने शरीर, जिस समय छुआ उस समय तो अग्नि की अनुभूति, और ये उंगली तो बाहर से वहां तक गई नहीं, यहां तो अंदर ही ऐसा कार्य होता है, बाहर से तो कुछ जाता ही नहीं है। जानन जानन धारा है, वही पर ही ज्ञान को पहचानती है कि ये ज्ञान सत्ता है, ऐसा इसका भाव है। समझ में आया है? आज ये समझ में आया ना, ये सदा काल अभेद होने का, अभी ये याद आया, सदा काल के लिए अभेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही है। ओहो, जो सदा काल यहां टिक करके रहेगा, यहां आज का दिन है ना, इसके लिए ये तृतीया का दिन है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तृतीया है, और कभी नष्ट नहीं होता ऐसा अभेद होता है, इसलिए अक्षय तृतीया है। आज का अक्षय तृतीया का पर्व मनाना भगवान, पारणा कर लेना वर्षी तप वाले, आज पारणा कर लेना, ये चैतन्य का रस हो। हो, 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 हो। कैसे भी करके पारणा कर लेना, करना है वो कर लेते हैं। एक वाइफ थी ना, तो एक वाइफ उसका उपवास था और रास्ते पर खाना खाते खाते पकड़ी गई, उसके पति ने देख लिया, खा रही थी, तो बोले अरे तेरा तो फास्ट है ना, क्या फास्ट है, यहां लिखा तो है फास्ट फूड,
जो फास्ट वाले होते हैं उनको फूड खाना है, उसका नाम फास्ट फूड है। कैसे भी करके खाना हो तो आदमी खा लेता है, बस अक्षय तृतीया के दिन आप सभी ज्ञान दीपकों को समय हो गया, तो आज के दिन ये प्रयोग आप करना कि जो ज्ञान जहां है वही जानने में आता है, करना तो है ही नहीं, जहां करना कोई भी कहे नहीं, ये कर। अंदर से थोड़ी देर हंस लेना, मैं कहूं तो भी हो, जब मैं कहूं प्रयोग करना, अंदर से हंस लेना, प्रयोग करना क्या, ऐसा अंदर में स्वीकार भाव आए। किसी को कोई शंका हो, चैतन्य 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 अनंत अनंत उपकार। मारो प्रश्न ये छे के જ્યારે હું ભેદના કરું ત્યારે પેલા એમ લઉં કે આ ધારો કે હવા હવા હવાનો અનુભવ થાય તો આ હવા ને જ્ઞાન બે અલગ અલગ છે, બેની સત્તા જુદી જુદી છે। પછી એમ લઉં કે આ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય થી જ્ઞાન નથી થયું, આ જ્ઞાન મારાથી જ થયું છે, ને આ હવાના કારણે જ્ઞાન નથી થયું, મારી સત્તાના કારણે જ જ્ઞાન થયું છે। ને પછી એમ લઉં કે આ શરીરના એટલે આત્મા એક ઈ પ્રદેશ ઉપર નથી થયું, આખા પ્રદેશ ઉપર જ્ઞાન થયું છે। હવે મારો પ્રશ્ન એ છે, પછી એમ લઉં છું કે હા હું એવું સત્તા છું કે જ્યાં કોઈ પણ જ્ઞાનમાં શું જણાણું એ વિકલ્પ પણ નથી આવતો, એ એવું હું જ્ઞાન છું। તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે ક્યારેક આપ કહો છો કે ધ્રુવ છે એ જાણતો નથી, જાણવા જાતો નથી, તો આ મારું જે ચિંતન છે કે હું એવું જ્ઞાન છું કે જે જે જેને કોઈ જાણવાનો પણ વિકલ્પ નથી, તો એ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે કે ધ્રુવ બરાબર છે? बहुत अच्छा। इनका प्रश्न है कि जो भी हवा का ज्ञान होता है तो ये हवा का ज्ञान हवा के कारण नहीं है, ये ज्ञान के कारण ही ज्ञान हो रहा है, और ये जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान ही है। तो ध्रुव तो जानने जाता नहीं है, अनुभव में आता नहीं है, तो चिंतन क्या करना। कुछ दिन पहले हमने इसका भेद ज्ञान का अभ्यास किया था कि जो पर्याय है ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ऐसा विचार निर्विकल्प अनुभूति में बाधक बनता है, क्योंकि वहां पर पर्याय का जोर रहता है, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो उसका भी रस जैसे जैसे परज्ञेयों का रस छूटना चाहिए, ऐसे ही परज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था का रस छूटना चाहिए, और ऐसे ही ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, माने वो वर्तमान में सिकुड़ गया। एट प्रेजेंट ये ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है, और उसमें उसने वो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप ध्रुव हूं, वो जो महान तत्व विराट, उसको एक और कर दिया। तो ठीक है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है तो ठीक है, उसका स्वीकार होना, मगर जोर जो है तत्व विचार में, जोर तो ध्रुवता का ही हो, क्योंकि उसी के जोर से ही
पर्याय में निर्मलता आएगी। तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है तो आ रहा है, मगर उस ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है उस पर इतना जोर नहीं देना है। जोर जो देना है वो पूरी सत्ता पर जोर देना है। वर्तमान की ज्ञान की अवस्था जानने में आई है, त्रिकाली तो जानने में आया नहीं है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आया, हवा जानने में आई, तो हवा को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जानने में आई। हवा जब जानते हैं तो हवा को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जानने में आई, मगर वो ज्ञान की अवस्था तो हवा जैसे अनित्य है, ऐसे ही ज्ञान की अवस्था भी अनित्य है। तो जो जानने में आई है उस पर जोर नहीं, जोर तो ऐसा है कि ध्रुव चैतन्य, और ध्रुव चैतन्य का जोर आएगा ना तो भी ध्रुव चैतन्य को जानने वाली पर्याय ही जानने में आएगी। जैसे अभी हवा को जानने वाली पर्याय जानने में आ रही है, ऐसे ही ध्रुव चैतन्य को जानने वाली पर्याय जानने में आएगी। तेरा काम नहीं रुकेगा, काम तो हो जाएगा, मगर वो ध्रुव के जोर से होगा तो आनंद उछलेगा। ऐसा है भगवान। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। लेकिन हाँ सॉरी, बंद हो गया है, तो फिर से चालू करो। बीजो प्रश्न छे के हाँ आज जारे वेदना करिए क्या हवा जा जा हवानु स्पर्श थाय ते क्या हवानु ज्ञान थाय छे पछी 2-5 मिनिट रही ए 2-5 मिनिट रही ने एम थाय के एक हाँ हाँ 2-5 मिनिट રહીને એમ થાય કે કંઈક નવું થશે, નવું થશે, કંઈક અલગ થશે, તો ઈ ઉચ કંઈક અલગ થશે, નવું થશે નો મોહ કેવી રીતે છોડવાનો? ત્યારે એવી રીતે ચિંતન કરી કે આમાં નવું શું છે? આ જ્ઞાન જ છે, જ્ઞાનમાં નવું શું આવે? પણ તો એક પક્ષ રહી જાય છે કે કુછ નયા આયેગા, કુછ અલગ હોગા. वही तो नया होगा, वही तो मुंबई से अहमदाबाद जाने में रस है, वो पटरी का रस नहीं है। कुछ नया आएगा, नया आएगा। वही तो ध्रुव का जोर आए जो, और नया आएगा तो नया तो पक्का आएगा। नया जो आएगा वो तो पक्का नया आएगा, मगर नया आएगा उसका रस क्यों फिर? ठीक है, ठीक है, सहज जानने में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नील को देखता हूं तो कृपालु देव की ही याद आती है। ऐसा विरला जीव है और ऐसा सुपात्र जीव है, सभी ज्ञान दीपकों में इतने बरसों से पहचानता हूं कि बहुत निकट काल में इतनी तबीयत खराब है, परम कृपालु देव की जैसे तबीयत खराब रहती है, इतनी स्वास्थ्य इतना खराब है, बैठ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में भी आज उन्होंने कैमरा भी चालू रखा, और सबसे पुराने ज्ञान दीपकों में उसके लिए उनको नंबर भी 19 नंबर दिया था, क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा, वो जो प्राण है उस प्राण की वजह से नील को भी प्राण वाली गाथा दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये झील, प्रणाम गुरु जी. मेरा प्रश्न ये है कि मुझे, मैं सुनती हूँ लेकिन मुझे रुचि नहीं आती जितनी चाहिए उतनी. कब से सुनना शुरू किया है? मैं 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले से सुनती हूँ. आपका सुनना अभी अभी चालू किया है, लेकिन 1.5 साल पहले से. बीच बीच में बहुत गैप आता है, सुनती हूँ नहीं सुनती हूँ, पढ़ाई करती हूँ वो सब, लेकिन सुनती हूँ. बट रुचि आई थी पहले, जब सुना था तब रुचि आई थी, बट फिर वो चली गई. तो मुझे, मेरे में ऐसा लगा कि मतलब तब नया नया था ना, तो ऐसा था कि कुछ नया जानना है, जानना है. वो जानने की कौतूहलिक रुचि थी, वो असली रुचि नहीं थी. अभी आप सुनते हैं तब आपको कैसा लगता है कि अंदर से हकार आता है? ऐसा आता है कि बात ऐसी है? प्रैक्टिकल में ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हकार नहीं आता. मतलब
कैसा होता है कि कुछ सुना तो नया सुना, नया जानने में आया तो उसका उसका अच्छा भाव आता है कि अच्छा ये है, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब कुछ हो रहा है। वो अगर ध्यान ध्यान मतलब कुछ सोचो तो भी ऐसे विकल्प लगता है कि ये तो सोचने में है, विकल्प है कि ये अच्छा ये पर्याय है, ये ज्ञान है, बट अंदर से अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा आता है कुछ। इतना तो अच्छा आ रहा है भगवान, ये जो विचार चल रहा है कि ये विकल्प ही है, ये विकल्प ही है, ये विकल्प ही है, इतना भी पता चल रहा है ना। जो न्यायक नहीं है पहले नास्ति से, ये मैं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, उसके भी इतना विकल्प से भी पता चल रहा है। और जो भी पहले कभी रुचि आपको ज्यादा हुई, रुचि भी क्षणिक, आपने कहा ना रुचि थोड़ी देर के लिए होती है फिर चली जाती है, बस तो वो चली जाती है ना। जो चली जाती है ना वो मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य, फिर अंदर चैतन्य में आना, बिल्कुल जस्ट इग्नोर। जो रुचि हुई है और फिर रुचि चली जाती है, कभी कभी इतना सुनने का भाव आता है। हमारा सभी का, आपका अकेले का नहीं, ये सब जितने बैठे हो सब सेम ही है, सबकी हालत वही है। कभी कभी रुचि जगती है तो अहो भाव इतना आ जाता है, और सबका ऐसा होता है ना, सभी फील्ड में होता है। कभी मंदिर में पूजा करने का भाव आया तो 3 घंटे बैठे रहे, और कभी नहीं गए तो 3 महीने तक नहीं गए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, सबका भाव ऐसा है। तो कोई बात नहीं, ये परिणामों की विचित्रता है, ये परिणाम ऐसे ही है, भाव ऐसे ही है, परिणामों की विचित्रता। तो क्या करो कि जो विचित्र है वो चैतन्य नहीं है, मैं चैतन्य हूं, आने दो जाने दो। और इतना अंदर में ध्रुव का जोर बना रहे, बस हर समय ये बस जागृति का अभ्यास करो छोटी छोटी घटना से। और आज ये जिज्ञासा जगी है तो रेगुलर अभी सुनने के लिए कोशिश करना, आज से आत्मसिद्धि शास्त्र शुरू हो रहा है ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो अभी इतना अद्भुत आज से वह आत्मसिद्धि शास्त्र के कनेक्शंस लेने वाले हैं, मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूँ कि आप सब ये सुनना, आप सबको बहुत माने बहुत उपयोगी होगा। और ठीक है, अभी आगे चंद्राबेन को कुछ कहना है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बहुत बहुत अनंत अनंत आपका उपकार है। हे गुरुदेव, आपने तो घर घर में समावसरण लगा दिया, और आप रुद्रदेवी आपके खिर रही प्रभु। और आज आपने जो कहा ना गुरुदेव, एक एक बात इतनी सत्य अद्भुत 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 लग रही है। और ये तो लगता ही है, आज आपने कहा ना कि ये भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, जानने जाना भी नहीं है, आ ही रहा है। तो इसमें ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो इसका स्वीकार करो, इसका स्वीकार करो। तो ऐसा लगता है जानने में आ ही रहा है, जानने में आ रहा है, जो जानने में आ रहा वही मैं हूँ, जानने में आ रहा वही मैं हूँ, ऐसा स्वीकार भी आता है। फिर कहाँ कमी रह जाती है गुरुदेव, कहाँ कमी रह जाती है। इतना जो स्वीकार करती है वो बुद्धि करती है। अच्छा अच्छा, वो हृदय नहीं करता, फिर वो हृदय कैसे करे। वो बुद्धि जो है बुद्धि स्वीकार करती है। अभी आपको लगता है, इसलिए लोगों का यही प्रॉब्लम है कि बैठते हैं तब तो ऐसा अहोभाव आता है कि यही देह छोड़ करके इसी से यही से समश्रेणी मोक्ष में चले जाए। मगर जैसे ही सत्संग पूरा हुआ और किचन में गए कि फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा नमक कम नहीं है ना, थोड़ा डालो, नमक डालो, नींबू डालो, मिर्ची डालो, ये करो वह करो, थोड़ा भी स्वाद कम नहीं होना चाहिए, गरम गरम ही होना चाहिए, पुडला ठंडा नहीं होना चाहिए, यदि पुडला ठंडा हो गया तो वो कोई और खा लेगा, आप बिल्कुल गरम गरम खाओ। ये सब जो है वो असलियत है, वो हृदय वहां खिल जाता है। यहाँ बुद्धि खिलती है, वहां हृदय खिलता है, यहाँ ज्ञान की बात चलती है क्षयोक्षम ज्ञान की, और वहां श्रद्धा जो है वो असलियत वहां निकलती है। इसलिए एकांत में ही धर्म का पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, समूह में पता नहीं चलता।
असली पता एकांत में ही चलता है। जब अकेला व्यक्ति होता है तब वो कैसे वर्तन करता है उससे पता चलता है कि उसमें क्या परिणमित हुआ है। तो साधना मेरी अकेले की है, मैं अपने साथ में ईमानदार आ जाऊं। सबसे पहले जिसके जीवन में ये भाव आया मैं अपने साथ धोखा न दू, तो फिर श्रद्धा में थोड़ा अब पिघलना चालू होगा, मैल थोड़ा पिघलेगा। और ये अद्भुत रहस्य है। ठीक है, अभी निधि प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव, आज आपने सत्संग में कहा कि विकल्प जो है वो भीतर आते ही नहीं, जो भी है ज्ञान ही जानने में आता है। तो विकल्प अगर जानने में नहीं आता तो और ज्ञान ही जानने में आता है कि निरंतर जानना 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 होता है। जैसे कि अभी मुझे विकल्प आया है मैं भोजन बनाऊं, और भोजन बनाने का विकल्प प्रतिबिंबित हुआ है, तो ये प्रतिबिंबित जहाँ होता है वो ज्ञान के पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, और ये पर्याय ये एक मेरा एक अंश ही है ना, तो मुझे ज्ञान ही जानने में आता है। इसी तरीके का विचार निरंतर चलना चाहिए या अब इससे ऊपर उठना चाहिए? उधर ही रहना चाहिए, ऊपर कहीं नहीं उठना है। जहां है वहीं पर ही रहो, बहुत कहीं नहीं जाना है। वो क्या है, आपकी बात बहुत सही है कि जो भी विकल्प आए वो विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं। तो अभी क्या कहा था कि ज्ञान में तो ज्ञान जानने में आता है, तो ये विकल्प का पता भी चला नहीं कि खाना खाना है बनाना खाना है, ये सब विकल्प तो आए ना, वो भी तो जानने में आता है ना। वो जानने में आता है क्योंकि वो विकल्प का रस अभी है ना, इसलिए वहां ऐसा है। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता जानने में आ रही है, मगर सांप का रस होने से ऐसा लगता है कि सांप दिखाई दे रहा है। तो अंदर में तो ये ज्ञान 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 ही जानने में आता है। वो ज्ञान की अवस्था को ही जानते हो, विकल्प है ही नहीं वहां, विकल्प है ही नहीं। और जब तक ये दृढ़ता नहीं आएगी कि यहाँ विकल्प जानने में आता ही नहीं है, तो जो जानने में नहीं आता ना उसको फिर तुम दूर कैसे करोगे? अब सांप को निकालो दर्पण में से बाहर, जब है ही नहीं तो क्या निकालोगे? तो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। तो उसके लिए एक है कि ज्ञान की स्पर्शना करके, खाली सुन करके नहीं, ये ज्ञान का पूरा ऑब्जर्वेशन करके उसे रियलाइज करो। मात्र जानना 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 जानना, और ऐसा ही जानना 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 जानना। ये दर्पण, उससे पहले ये सांप था, दर्पण उससे पहले ये काले रंग का सांप था, ये फिर गुलाबी फूल था, ऐसे अलग अलग। तो दर्पण पर दाग है या नहीं है ये देखो। ऐसे ही ज्ञान की जानन जानन धारा जो चल रही है, इसमें तो बिल्कुल निर्मलता है। यदि पहला वाला सांप दर्पण को काला करके गया होता तो ये गुलाबी फूल प्रतिबिंबित होता कैसे? वो जो स्वच्छता के अंदर कहीं दखलगिरी कहीं पर भी हस्तक्षेप किया होता तो तुरंत ही मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र, मैं मम्मी ज्ञान मात्र। तो आप ऐसा करो अभ्यास करते करते बस भाई, ये होगा भगवान। झाड़ू लगाना पड़ेगा, टीना पानी चैतन्य 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 गुरुदेव, ये जो भी ज्ञान में झलकता है तो क्या वो हर घेर पे ध्यान देना जरूरी है? जैसे कि मतलब खाना बनाने का विचार आया है या मैं ये बना रही हूँ, तो ये विकल्प करना जरूरी है कि मैं इस खाने बनाने वाले से दूर हूँ, या हम डायरेक्ट ऐसे विकल्प कर सकते कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये बनाने वाली मैं नहीं। मतलब कितना भेद ज्ञान और गे के बारे में सोचना जरूरी है, हम डायरेक्ट खुद पे आ सकते हैं? आ सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यदि पूर्व बहु की साधना किसकी हुई हो और उसकी योग्यता ऐसी हो तो उसे इतने लंबे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। यदि उस आत्मा की दशा के अनुसार है, अब कोई जीव है वह पहला प्रवचन सुनकर के, अब गौतम स्वामी वहां पर गए हैं तो पहला वाणी सुनकर के ही वहां पर फिर उनको आत्मज्ञान हो गया, तो उनका अहंकार पिघल गया। तो किसी जीव की यदि तैयारी, पूर्व तैयारी हो तो वो इस बार यदि ये सब में घटित करने न जाए तो भी उसे हो सकता है। मगर मूल विधि यही है कि अभी हमें नहीं पता, तो
तो इसलिए गुरु का जो उपदेश है वो मूल विधि के अनुसार है, फिर कोई अपवाद ऐसा हो तो वो उसको ऐसे भी सहज ही हो सकता है। बेसिक, अभी बेसिक तो ऐसा ही है, जरूरी नहीं। अब जैसे कि अभी कोरोना की रस्सी सबने ली थी, उस समय तो ये था ना कि नई रस्सी ली है, वो लोग भी जी गए हैं और रस्सी लेने वाले भी मर गए। मगर कॉमनली उस समय तो यही सबको यही बताया ना कि भाई वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो कभी भी बीमार होते हैं तो अपन के डॉक्टर यही कहेंगे दवाई ले लो। अब किसी का स्टेमिना अच्छा है तो बिना दवाई का भी वो जी लेता है, किसी का स्टेमिना इतना नहीं है कि वो दवाई लेकर के भी जीता नहीं, मर जाता है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना दवाई का जी गया और ये दवाई लेकर मर गया, इसलिए ऐसा कि दवाई लेना कुछ काम का नहीं है। तो वैद्य तो यही कहेगा कि दवाई लो, मगर फिर किसी पेशेंट की स्थिति कुछ अलग हो तो बात कुछ और है। बहुत अच्छा, आपकी भी बहुत बहुत अच्छी जिज्ञासा रहती है और इनकी भी अंतर की दशा बहुत उत्तम है और निकट काल में ये पाए ऐसा ये जीव है। उनके साथ में मेरी बात हुई थी, बहुत उत्तम जीव है। अंतिम शंका, आप सब लोग थोड़ी देर बैठे रहिएगा, मुझे आपको एक सरप्राइज देनी। हाँ, अंबिका, प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं ज्ञान दीपक में मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ आपकी। मेरा कल अच्छा कल फर्स्ट डे था, पर मेरा ये इंटरनेट की इशू से मैं आपकी वाणी सुन नहीं पाई, अच्छा और आज भी मेरा यही प्रॉब्लम आ गई। शायद मैंने कल ऐसा सोचा था कि शायद आज गुरुदेव श्री की वाणी मेरे में सुनने में वो मतलब आई थिंक मैं क्या हूँ कि ना नया हूँ ना, तो इसलिए मुझे इतने समझ में नहीं आती है। तो मगर रस जगा है आपको, रस जगा है ना, रस तो जगह है, मुझे आती कुछ भी नहीं है, पर बहुत मैं अच्छा है ये। छह महीने से मैं आपके YouTube में सुन नहीं रही। अच्छा, कैसा लग ये रहा है मैं आपको? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है कि मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं सुन ही नहीं पाती हूँ कभी कभार आपकी बाणी। शायद मेरा योग नहीं था होगी, मैं ये सोचती नहीं, हूँ। फिर बाद में दोबारा फिर मैं यूट्यूब में आपकी फिर यही बाणी सुनने आ जाती हूँ। फिर बहुत अच्छा। अभी बस ज्ञान दीपक हुए हैं तो आप बस साधना भी कीजिए, इसमें जुड़े रहिए और नियमित रूप से सब सत्संग का, ध्यान का सब लाभ लेते रहना भगवान। जी, तो फिर यह हो गया मेरा कि ना ये पाहुड़ 210 का था। मुझे ना ये ज्ञान की पर्याय में मुझे समझ में नहीं आया था, तो फिर मैंने तो अमेरिका में फोन लगाया सतीश जी कासलीवाल मेरे गुरुदेव, अच्छा, ओके। तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि ना ये ज्ञान की पर्याय के मतलब क्या है, आप मुझे समझाइए। अच्छा, उनने मुझे क्लियर करे कि उनको पता ही नहीं था कि मैं आपकी ये यूट्यूब में सुनती हूँ प्रवचन। ये सतीश जी सामने मैंने लाया उनको। जी हाँ, बहुत अच्छा। इन्होंने जगत के जीवों को, इतने जीवों को जोड़ा है अध्यात्म से, और ये भी पंडित जी है, बहुत अच्छे जानकार है। तो उनसे भी कभी आपको जो भी बात समझ में ना आए, शास्त्र के शब्द कुछ कठिन पड़े तो वो आपको समझाएंगे, और बहुत ही उनका योगदान है इस तत्व प्रचार में। मुझे कुछ आती नहीं, बस नवाकार मंत्रे आती है, और मुझे इतना सुनने की इतना भाव होती है कि ना मैं समझ ही नहीं पाती। और मैं हूँ आउट ऑफ इंडिया की, और मुझे इतना हिंदी में भी इतना बोलने भी नहीं आती है। कहाँ के पर हैं आप मूल? मैं पहले दुबई में रहती थी, अब इंडिया में हूँ, तो अच्छा, मुझे प्रॉब्लम है हिंदी बोलने और पढ़ने में। पढ़ती भी हूँ, लिखती भी हूँ, परीक्षा भी देती हूँ आपका आरोबिक भी। आती है आपको? हाँ आती है आती है, थोड़ा प्रॉब्लम है कितना पर मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मगर आप जुड़े हैं सतीश जी, अब आपकी जिम्मेदारी है इनको हमेशा साथ में रखने की,
और इनको अभी जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब शब्द तो आप ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। शब्द के अर्थ, शास्त्र के शब्द के अर्थ तो मेरे से ज्यादा बेटर आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आप बताना भगवान। ठीक है, अभी आप सभी ज्ञान दीपकों ने ये जो प्रयोग किए हैं, ये प्रयोग आपकी आत्म साधना में उपयोगी हो, ऐसी में मंगल भावना पाता हूं। और अक्षय तृतीया का आज का ये दिन, रत्नत्रय का दिन, पारणा का दिन, आप सभी को मुबारक हो। ऐसी मंगल भावना के साथ प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।